आने वाले ज्वालामुखी से बच सकते हैं, भूकंप से बच सकते हैं, तूफान से बच सकते हैं, सुनामी से भी बच सकते हैं, मगर उसके हाथ में पकड़ा गया तो जो अमरता का वरदान लेकर पैदा हुआ है वो भी मरेगा। बॉबी देओल एंड पवन कल्याण की मच अवेटेड फिल्म हरियाणा वीरमल्लू की रिलीज डेट को लेकर आ चुकी है सबसे बड़ी अपडेट और बात करेंगे इस फिल्म के टीजर ट्रेलर हमें कब तक देखने को मिलेगी। तो यार पवन कल्याण की मोस्ट एंटिसिपेट एक्शन पैरोडी फिल्म हरियाणा वीरमल्लू जो एक बहुत बड़ी पैन इंडिया फिल्म रहेगी जिसमें बॉबी देओल भी एक खतरनाक भयंकर वाले विलन का रोल कर रही है जिसमें पवन कल्याण एंड बॉबी देओल का एक तूफानी एक्शन देखने को मिलेगा। तो अभी इस फिल्म को लेकर कुछ बड़ी अपडेट सामने आई है। जी हां आपको बता दूं रिपोर्ट के मुताबिक अभी इस फिल्म की शूटिंग चल रही है और कहा जा है कि इस साल के एंड तक फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट होने वाली है और उसके बाद 2024 में आने वाले इलेक्शन के बाद फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा। जी हां हरियाणा वीरमल्लू फिल्म हमें 2024 के जून या फिर जुलाई के महीने में देखने को मिलेगी। यह एक एक्शन पीरियडिक म्यूजिकल फिल्म है जिसके एक्शन स्टंट सिनेमेटिक शॉट्स एंड फिल्म का BGM एकदम पावरफुल होने वाला है। फिल्म में पवन कल्याण वीरमल्लू का किरदार निभा रहे हैं तो वहीं बॉबी देओल औरंगजेब का रोल कर रही है जो कि फिल्म में एक ब्रूटल विलन रहेगी और इनके साथ ही निधि अग्रवाल विक्रमजीत एंड नोरा फतेह भी सपोर्टिंग कैरेक्टर में नजर आएगी। फिल्म को राधा कृष्णा ने अपना बेहतरीन डायरेक्शन दिया है जिन्होंने इससे पहले अक्षय कुमार के साथ गब्बर इज बैक एंड अल्लू अर्जुन की फिल्म वेदाम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट किया है और कहा गया कि यह फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी पीरियडिक एक्शन फिल्म होने वाली है जिसको बहुत सारी लैंग्वेज में भी रिलीज किया जाएगा। तो आप लोग पवन कल्याण एंड बॉबी देओल की इस जबरदस्त फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हो हमें कमेंट में जरूर बताना और साथ ही पवन कल्याण एंड बॉबी देओल में से सबसे बड़े फैन किसके हो यह भी प्लीज कमेंट में बताई देना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड पवन कल्याण एंड बॉबी देओल की अपडेट हिंदी में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद जय भारत।